प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका अकाउंटिंग एजुकेशन में स्वागत है। आज हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के दूसरे भाग को सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे फिक्स्ड वॉल्यूम ओवरहेड वेरिएंस। ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, जो फिक्स्ड वॉल्यूम ओवरहेड है वो तीन टॉपिक्स का टोटल है। फर्स्ट कैलेंडर, कैलेंडर वेरिएंस प्लस कैपेसिटी वेरिएंस, और तीसरा आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस। इससे जो पार्ट वन है उसका वीडियो देखना बहुत जरूरी है। उसमें दी गई एग्जांपल हम यहां दोबारा लिख रहे हैं। देखो, आपका जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल है, दिस इज ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये है 100 रुपया। हमने सेल्समैन को दिया 100 रुपया जो इसका एस्टिमेट है। उसका एक्चुअल जो पेमेंट था 200, ठीक। अब इसके बाद है जो आउटपुट है, एस्टिमेट किया हमने 200 यूनिट, एक्चुअल है 300 यूनिट। इसके अलावा जो नई आइटम दी गई है वो है वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। यहां है 5 डेज जो हमने एस्टिमेट किए हैं और वास्तव में काम चला है 7 दिन का, डेज का। एक स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ है हमें, आवर, एक घंटे में जो ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट है पर आवर, वो 1 रुपया पर आवर है। इसके अलावा हमें जो दिया गया है वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम चला है, ये हमें इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है, एक मिनट चेक करते हैं ये इंफॉर्मेशन। ये 250 घंटे दिए गए हैं, आवर्स इन क्वेश्चन। तो ये हमें नहीं दिया गया, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, आवर्स 100 रुपए ओवरहेड है, 100 भाग 1 रुपए पर घंटा, तो हमारे पास स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स आ गए 100 आवर्स, ठीक। ये भी इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट किया है। और एक और इंफॉर्मेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना समय लगता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। आपके पास 100 घंटे हैं, उसमें प्रोडक्शन हो रही है 200 यूनिट, 100 यूनिट, 100 आवर्स हैं आपके पास, उसमें हो रही है प्रोडक्शन 200 यूनिट। तो एक यूनिट को बनाने के लिए आपके पास 0.5 आवर है, यानी आधा घंटा। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलेंडर वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस सीवी। इसमें सीधी सी बात है कि डेज हैं 7 और 5,
यानी एक्चुअल डेज माइनस स्टैंडर्ड डेज, डेज और स्टैंडर्ड। अब एक और चीज कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड रेट पर डे, यानी आपके पास 100 ओवरहेड है, स्टैंडर्ड ओवरहेड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेज, यानी 100 रुपया भाग 5 गुना 7 माइनस 5 2 आ गया, यहां आ गया 20, ये हो गया 40, ये है फेवरेबल। ठीक है, ये फेवरेबल इसलिए है क्योंकि हमें एक्चुअल डेज ज्यादा दिए गए हैं, हमारी कैपेसिटी उसमें बढ़ेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कैपेसिटी वेरिएंस की, ये प्लस में है कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस में जो स्टैंडर्ड रेट पर आवर वैसे के वैसे चलेगा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब इसके बीच में हमने एक तो जो वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, एक्चुअल वर्किंग आवर्स उसमें से घटा दीजिए, कौन से आवर्स, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे। देखो हमने निकाला था स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 100, उसको भाग कर दीजिए 5 से और गुना कर दीजिए 7 से, तो ये स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स फॉर एक्चुअल डेज के लिए आ जाएगा, फॉर एक्चुअल डेज। ठीक है, यहां एक बार इसको लिखने से पहले हम यहां इसका पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल डेज। तो यहां आ गया आपके पास 1 और यहां आ गया आपके पास 250 आवर्स, और ये हमने कैलकुलेट करनी है 100 आवर्स जो हमने कैलकुलेट किए थे उसको भाग कीजिए 5 डेज से और गुना कर दीजिए 7 डेज से, तो ये आपके पास आ जाएगा 250 250 माइनस 700 भाग 5, 250 माइनस 140 और ये आपके पास रुपीस 110 आ गया, ये भी फेवरेबल है। ठीक, क्योंकि वर्किंग आवर्स इसमें भी ज्यादा है जैसे वर्किंग डेज था। अब एक लास्ट हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस, वो यहां हम कैलकुलेट कर लेते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें भी स्टैंडर्ड रेट पर आवर वैसे वैसे चलेगा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब इसको गुना करेंगे, ये समझने वाली बात है। देखो इसमें क्या है, नंबर एक पे स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स। इसको यहां समझते हैं, एक दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स रुपीज 1 पर आवर्स, इसको एक लिख देते हैं, गुना करते हैं स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट। देखो एक्चुअल आउटपुट है 200, ठीक, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स तो 100 भाग 200
तो एक यूनिट को बनाने के लिए हमें 0.5 आवर लगते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट यानी आधा घंटा लगता है। तो आधा घंटा है, अगर 200 यूनिट बनाए एक्चुअल प्रोडक्शन तो 200 से गुना कर दो, माइनस करो एक्चुअल आवर्स हैं 250, तो ये हमारे पास आ गया 200 × 50, 200, सॉरी हम यहाँ ओवरहेड लिख लिया, यहां मैं लिखना था 300 यूनिट जो एक्चुअल आउटपुट है, 300 300 गुना 0.5 150 माइनस 250, 250 में से 150 घटा दिया, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 100 माइनस में 100, दिस इज अनफेवरेबल और एडवर्स, अर्थात जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट थे वो ज्यादा नहीं है, कम है एक्चुअल वर्किंग आवर्स से, ठीक, इसलिए ये अनफेवरेबल है। अब वेरीफाई करेंगे इसको, चलो हम यहां वेरीफाई कर देते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने जो कैलकुलेट किया था वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास था +50 वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब यहां हम कैलकुलेट करते हैं कैलेंडर वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस है +40, उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस, दिस इज कैपेसिटी, कैपेसिटी वेरियंस यह है 110, और इसमें से घटा देते हैं 100 एफिशिएंसी वेरियंस, 100 तो 110 +40 150 माइनस 100, तो हमारे पास यहां 50 आ जाता है जो कि फेवरेबल है वॉल्यूम ओवरहेड वेरियंस। तो बहुत ही इजी है, सबसे ध्यान से देखने वाली बात है वो एफिशिएंसी वेरिएंस को समझने के लिए है कि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट में से एक्चुअल वर्किंग आवर्स घटानी है। आपके पास जो 50.5 आवर दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड टाइम है फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट, यानी 100 आवर्स जो हमने स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कैलकुलेट किया था, 100 को भाग किया था 1 से, उसको फिर भाग करना है 200 से, ठीक है, तो ये निकलेगा आपको, फिर इससे एक्चुअल आउटपुट को गुना करना है, फिर 250 है जो गिवन है हमें वो घटा के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।